शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे हट साले, रास्ता छोड़, हाथ नहीं लगाना तुमको, वरना हाथ तोड़ देगी। छोड़ मेरा हाथ, छोड़, छोड़ मैं कहती हूँ। हट ना, सुनिए तो, सुनिए मैडम। अरे अरे हट, कौन है ये बदतमीज लड़की? ए जबान संभाल कर बात कर, फिर गाली दिया तो थोपड़ा बिगाड़ देगी। अपुन गौरी है, अखी बस्ती अपुन के सामने मुंह नहीं खोलती, समझी? इतने बड़े महल में रहती है और 130 रुपए देने के वास्ते बेईमानी करती है। फिर प्रिंसेस, ये सड़क छाप लोग मुंह लगाने लायक थोड़ी ना होते हैं। मारोगी तो खुद के हाथ ही मैले होंगे। ए चुड़ी की दुग्गी, चुप बैठ, वरना ऐसा लाफा देगी। बाहर निकालो इसे, देख क्या रहे हो तुम लोग। क्या हो रहा है, छोड़ दो इसे। भाषणी ये, अरे चुप कर। देखो सेठ, अपन मजदूर लोग हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। अखी रात हम तेरी बहन की गाड़ी के ऊपर काम किए और अब 130 रुपया देने के लिए इसकी नानी मर रही है। मेरे चीफ मैकेनिक ने मजदूरी मांगा तो उसने पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वा दिया। किसने कहा था तुम्हारे चीफ मैकेनिक से हमारी गाड़ी को हाथ लगाए? सुन लिया सेठ, तमीज तो छोकरी में है नहीं, शक्ल से जितनी अच्छी जबान से उतनी सड़ेली। थी थी। देविका, अगर इसके मैकेनिक ने तुम्हारी गाड़ी का काम किया है तो दे दो उसके रुपए। भाईश्री, पहले इस लड़की को इस घर से बाहर निकालिए। देखो देविका, ये हमारी शान के खिलाफ है। जाती का है, मेरे पैसे तो दे दीजा। सुनो, पैसे तुम्हारे मिल जाएंगे। कितने पैसे हुए? 130। ये लो, बाकी छुट्टा नहीं है, आदमी भेज के गराज से मंगवा लेना। चमचा सिंह। यस सर। इस लड़की के गराज का पता लगाओ। जी सर। अरे तुम गाड़ी लेके चले गई उधर, वो सेठ आके बुमा बुम। तेरा उस्ताद कहाँ है? ये रहा। क्या बात है? ये बात है, साला गोरी चमड़ी देख लिया तो मजदूरी छीन लिया। आरती जी, क्या हंगामा हो रहा है? आप इतने दिनों हिंदुस्तान से बाहर रहकर आई हैं, तो क्या आप ये भी भूल गई कि हिंदुस्तान में होली का एक त्योहार भी होता है? शिट, आई हेट होली। भाई जी कहाँ है? वो शिकार खेलने गए हैं। सारे नौकरों को नीचे इकट्ठा करो। ओके। जल्दी। इस साल से इस पैलेस में होली नहीं मनाई जाएगी। तुम सबको 3 दिन की छुट्टी दी जाती है, होली के बाद वापस आना। गेट आउट। आरती जी, ऊपर आओ। ओके मैडम। ये ले, भांग की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे कैसे होगी, ये तो शिवजी का प्रसाद है। हाँ, और सुनो। अरे मैम साहब, ये क्या कर रही हैं आप? बच्चा है, होली खेल रहा है। फिर इसे समझाती क्यों नहीं कि अपने बराबर वालों से होली खेले? मेरी गाड़ी का पेट खराब कर दिया। तो आइए ना, बराबर वालों से होली खेलकर देख लीजिए। ए राजकुमारी से जुबान लड़ाई तो पुलिस को बुला के कैद करवा दूंगी। जो तुम्हारी राजकुमारी की नजरों का कैदी हो उसे पुलिस क्या कैद करेगी? मैं तुम्हें माफ किए देती हूँ, शायद इस वक्त तुम अपने होश में नहीं हो। अब ठीक कहती हैं, आपकी निगाहें मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंच चुकी हैं। मैं तो मदहोश हूं। बेवकूफ हो, आग से खेलना चाहते हो? आज मुझसे बात करके आपने मेरा दिल बढ़ा दिया, तो चलिए उसकी याद में कल मैं आपसे होली खेलने आऊंगा। मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी, मुझे होली से सख्त नफरत है। तो ठीक है, एक तरफ आपकी नफरत भरी गोलियां होंगी और दूसरी तरफ मेरे प्यार भरे होली के साथ उड़ा आपको ऐसे भिगा दूंगा जिससे आपको एहसास हो कि एक बच्चे के आंसू की कीमत आपकी गाड़ी के पेन से ज्यादा कीमती है। गेट लॉस्ट। अरे देविका, तू होली खेली इस बार? I'll kill that bastard. किसकी बात कर रही हो? अरे वो 2% का मैकेनिक उस दिन मेरी गाड़ी रिपेयर करने आया था, पिल्लू चौधरी, आज घुसाया था पैलेस में। उसकी ये हिम्मत? मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया है, वो पकड़ा गया होगा।
ऐसे सोशल क्रिमिनल्स को सजा देना पुलिस के बस की बात नहीं है। मैं उसे सजा दूंगा। गोरी, ए गोरी, गोरी। गोरी। ए गोरी। साला बेवड़ा, खाना देना, भूख लगी है। क्यों, महल वालों ने नहीं ठुसाया? साला कुत्ते के माफिक दुम हिलाता हुआ गया था उधर। मैं पूछती हूँ तेरी लगती कौन है? क्या उसकी चमड़ी मुझसे ज्यादा गोरी है? देख, देखता क्यों नहीं? मैं पूछती हूँ कौन लगती है तेरी, जो आज त्योहार के दिन भी उधर चला गया। साला दगाबाज, तू मुझे छोड़ दे, मैं तेरे बिना गैरेज चला लेगी। तू भड़कती क्यों है इतनी? चल रहा है। ए भाई, तमीज से बात कर रहा। तमीज से तो मैं थाने में चल के बात करूंगा। पकड़ साले को। ए ऑफिसर, ये गाली तुम अपने खिसे में भर लो क्या? नहीं तो ये गाली तुम्हारे हलक में उतार दूंगा। जी सर, मैं उसे अभी पकड़ कर लाया हूं। वो यही है सर। जी मैं समझा नहीं सर। जी ठीक है, जो हुक्म आपका। हवलदार जी, हाथ कड़ी खोल दो साले की। जी अच्छा। बोला था यार, गलत आदमी को पकड़ के लाए। जाओ। हाथ क्यों लगा था? ये बड़े लोग भी अजीब हैं। बहन फोन करके कहती है कि बंद कर दो, और भाई फोन करके कहता है कि छोड़ दो। ये पुलिस वाला भी अजीब है यार, घसीट कर लाया और इज्जत से छोड़ दिया। नालियों में रेंगने वाले कीड़े, राजकुमारी के साथ होली खेलेगा साला। तू किस्मत का बहुत धनी है कि मेरी कोई बहन नहीं है, वरना साला कहने पर मैं तेरी जबान खींच लेता। तू मेरी जबान खींचेगा? कुमार यशवंत सिंह की जबान खींचेगा तू? बंधे हुए शेर को तो गधा भी दो लत्ती मार सकता है। अगर माँ का दूध पिया है तो हाथ खोल, फिर देख। तेरी मौत इतनी आसान नहीं होगी। शमशेर सिंह, भर दो इस स्विमिंग पूल को।
मैं यशवंत सिंह बोल रहा हूँ। जी सर। आधे घंटे बाद मेरे स्विमिंग पूल में एक लाश मिलेगी, उसे उठवा लेना। मैं समझा नहीं सर, आधे घंटे के बाद क्या निकलवा लेना? लाश? क्या आप उस आदमी को जानते हैं कुंवर साहब? ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि वो कौन है, मगर मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, और मेरे लोगों को भी नहीं पता कि वो कौन है और मेरे स्विमिंग पूल में कैसे आया। ठीक है सर, आप यहाँ पर है ही नहीं सर, मैं ठीक आधे घंटे के बाद पहुंच जाऊंगा सर। इंस्पेक्टर रशीद खान, ये स्विमिंग पूल कुंवर यशवंत सिंह का है। उन्होंने पुलिस स्टेशन ये फोन किया था कि आधे घंटे के बाद यहाँ एक लाश मिलेगी। ये तो खुदा का शुक्र है कि मैं आधे घंटे से पहले यहाँ आ गया। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और ठाकुर यशवंत सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ। नहीं, नहीं खान साहब, ये मेरी अपनी लड़ाई है। आप सिर्फ गौरी मोटर वर्क्स में जाकर गौरी से कह दीजिएगा, कुछ दिनों के लिए एकदम से मुझे दिल्ली जाना पड़ गया। मगर ये बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी। अगर वो खतरनाक लोग हैं तो खतरनाक तरीके से ही मैं उन लोगों को सीधे रास्ते पर लाऊंगा।